हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल आज हम करने वाले हैं सेपरेटेड सेट्स सेपरेटेड सेट्स की डेफिनेशन करेंगे हम इस वीडियो में देन मैं उसके रिलेटेड आपको एक एग्जांपल बताऊंगी देन उससे रिलेटेड हम करेंगे कि सेपरेटेड सेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं डिस्च्वाइंट होते हैं देन हम बात करेंगे डिस्ज्वाइंट सेट्स मे और मे नॉट बी सेपरेटेड ओके मे और मे नॉट बी सेपरेटेड ये सारी चीज हम इस वीडियो में कवर करेंगे चलिए सेपरेटेड सेट की डेफिनेशन देख लेते हैं टू सबसेट्स ए एंड बी ऑफ अ मैट्रिक स्पेस एक्स डी आर सेट टू बी सेपरेटेड इफ ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी दैट इज इक्वल टू फाइव ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर इज इक्वल टू फाइव आपको एग्जांपल से बड़े अच्छे तरह से ये चीज क्लियर हो जाएगी देखिए ये दो प्रॉपर्टीज हैं ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर इज इक्वल टू फाइ अगर इसमें से एक भी सेटिस्फाई नहीं होती तो ये सेपरेटेड सेट नहीं होगा ये दोनों ही सेटिस्फाई होनी बहुत जरूरी है ओके चलिए मैं एक एग्जांपल देके आपको करवाती हूँ ए लेट्स सपोज हम ये इंटरवल ले लेते हैं वन टू टू देन बी हम ले, ले लेते हैं टू टू थ्री इस तरह से ले लिया अब क्लोजर ऑफ ए क्या होगा हमारे पास दैट विल बी इन क्लोज इंटरवल ट्रवल वन टू और बी क्लोजर क्या होगा दैट इज क्लोज इंटरवल ट्रवल टू थ्री इस तरह से ही होगा क्लोजर जो है वो क्लोज होगा बी क्लोजर दैट इज दिस ओके चलिए अब हम चेक करते हैं कि हमें हमारे कंडीशंस क्या हैं ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी शुड बी इक्वल टू फाइव चलिए चेक करते हैं क्या ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी फाइव है ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू अब यहाँ पे देखिए ए क्लोजर है वन टू एंड बी क्या है टू थ्री बट ये यहाँ पर क्लोज है यहाँ पर ये ओपन है ये टू यानी कि इसमें इंक्लूडेड नहीं है इसमें ये इंक्लूडेड है तो देट मीन्स कि ये वन टू और टू थ्री दैट इज इक्वल टू फाइव नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर चलिए चेक करें बी क्लोजर दैट इज टू थ्री दैट इज वन टू बट यहां पे ओपन में है दैट मीन्स की टू इसमें इंक्लूडेड नहीं है ये वाले सेट में ये वाले सेट में टू इंक्लूडेड है बट यहाँ पे नहीं है तो दैट मीन्स की दोनों के इंटरसेक्शन क्या हो गई फाइव हमें यही टू कंडीशन गिवन थी ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी शुड बी फाइव इंटरसेक्शन बी क्लोजर शुड बी फाइव दिस इज इक्वल टू फाइव दैट मीन्स क्या हो गया हमारे पास ए एंड बी आर ए एंड बी आर सेपरेटेड बस यही सिंपल सी डेफिनेशन है सेपरेटेड की बस ये दो चीजें अगर आपने देख ली अगर ये दोनों चीजें फाइ आ जाती हैं, दैट मीन्स कि दोनों में अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम उनको क्या बोल देते हैं सेपरेटेड सेट्स बोल देते हैं चलिए एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा यहां से आपको पता चल गया कि ये सेपरेटेड सेट्स हैं अब देखिए इसी तरह के एग्जाम्पल को मैंने इस तरह से लिख लिया ए मैंने ले लिया वन टू और बी मैंने क्या ले लिया जो बी है ना यहां पे मैंने क्लोज से स्टार्ट कर लिया कि यहां पे ये यह जो बी ये जो टू है ना ये इंक्लूडेड है जब मैंने दोनों को ओपन लिया था तो ये तो सेपरेटेड आ गई बट अब मैंने यहां से क्लोज ले लिया चलिए अब चेक करते हैं क्या ये सेपरेटेड है ए क्लोजर क्या होगा ए क्लोजर होगा दैट इज वन एंड टू ए क्लोजर होगा दैट इज वन एंड टू बी क्लोजर क्या होगा दैट इज टू एंड थ्री दैट इज इन क्लोज इन ट्रैवल दिस इज इन ओपन इन ट्रैवल एंड दिस विल बी इन क्लोज इन ट्रैवल ओके दैट इज ए वन टू एंड दैट इज टू थ्री हमें कंडीशन क्या चेक करनी है ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर चलिए चेक करते हैं ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर ए है ये और बी क्लोजर है ये इसमें टू इंक्लूडेड नहीं है इसमें टू इंक्लूडेड है बट इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या आएगी दैट विल बी इक्वल टू फाइव ट विल बी इक्वल टू फाइव चलिए अब सेकेंड कंडीशन चेक करते हैं ए क्लोजियर बी इंटरसेक्शन ए क्लोजर यहां हम कह सकते हैं कि ए क्लोजियर इंटरसेक्शन बी एक ही बात है ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी ए क्लोजर दैट इज वन टू इंटरसेक्शन विथ बी टू दैट मीन्स की यहां पर भी टू इंक्लूडेड है यहाँ पे भी टू इंक्लूडेड है मीन्स इसके अंदर एक पॉइंट मिल गया हमें टू दैट इज इक्वल टू टू दैट इज नॉट इक्वल टू फाइव मैंने आपको बोला था कि जब भी सेपरेटेड होना है तो दोनों ही कंडीशंस ये जो दोनों कंडीशंस हमें डेफिनेशन में ये जो दोनों कंडीशंस की है ये दोनों सेटिस्फाई होते हैं तब वो सेपरेटेड होते हैं अगर दोनों में से एक भी सेटिस्फाई नहीं होती तो वो सेपरेटेड नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमें ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर तो फाइव मिल गया बट ये जो ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी जो है दैट इज नॉट इक्वल टू फाइव दैट मीन्स दिस सेट्स आर नॉट सेपरेटेड तो ये वाले सेट्स जो हैं वो नॉट सेपरेटेड काउंट होंगे ठीक है अब आपको सेपरेटेड की डेफिनेशन अच्छी तरह से क्लियर हुई कि जब भी ये दोनों कंडीशन जो हैं ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर दैट शुड बी इक्वल टू फाइव ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी दैट शुड बी इक्वल टू फाइव अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी वो सेपरेटेड होंगे अगर इसमें से एक भी सेटिस्फाई नहीं होगी तो वो सेपरेटेड नहीं होंगे ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं जितने भी सेपरेटेड सेट्स होते हैं ना सेपरेटेड के बारे में आपको पता चल गया हम बात करते हैं सेपरेटेड सेट्स आर देखिए हमने यहीं पे एक एग्जांपल की थी सेपरेटेड सेट्स की ये है यहीं से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी ये है मैंने इनको बोल दिया कि ये सेपरेटेड सेट्स हैं अब ए है वन टू बी है टू थ्री अब ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं करूँ तो क्या कुछ आएगा ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे भी वन इंक्लूड नहीं है नहीं है और यहाँ पे टू और थ्री इंटरवल है दैट मीन्स की दैट इज इक्वल टू फाइव ए इंटरसेक्शन बी में कुछ भी कॉमन नहीं है ए हमारे पास क्या है ए हमारे पास ये वाला इंटरवल है वन से लेके टू तक का और बी हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है टू से लेके दैट इज इन थ्री यहाँ पे कुछ कॉमन है यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी हमें क्या मिल रही है फाइव मिल रही है दैट मीन्स कि ये क्या है डिस्ट्रॉइंट सेट्स हैं जो भी सेपरेटेड सेट्स होते हैं वो क्या होते हैं डिस्ट्रॉइंट सेट्स होते हैं ओके okay? आपको ये चीज समझ आ गई मैंने आपको बोला कि ए एंड बी आर सेपरेटेड तो हम उसको क्या बोल सकते हैं देन डिस्च्वाइंट दोनों सेट्स क्या होंगे डिस्च्वाइंट होंगे देखिए इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आया तो ये सेट्स क्या हैं डिस्ट सेट्स हैं ओके सेपरेटेड सेट्स आर डिस्टॉइंट सेट्स हम एक एग्जांपल और लेके कर लेते हैं इनको देखिए एक मैंने ए सेट लिया दैट इज जीरो वन अगेन मैंने बी सेट लिया दैट इज वन टू अब यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेती हूँ ये मैंने ए सेट लिया जीरो वन बी मैंने लिया वन टू अब ये देखने में ही लग रहा है कि ये दोनों सेट डिस्ट है इनमें कुछ भी कॉमन तो दिख ही नहीं रहा तो दैट मीन्स कि ए इंटरसेक्शन बी अब पहले चेक करें कि ये क्लोजर है पहले इनके क्लोजर को चेक करते हैं पहले इनकी सेपरेशन चेक करते हैं अगर ये सेपरेटेड हैं और यह डिस्टॉइंट है ए क्लोजर चेक करते हैं क्लोजर क्या है दैट दैट इज़ इज़ बी क्लोजर क्या है चलिए इनकी सेपरेशन चेक करते हैं ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर ए दिस इज जीरो दिस इज वन टू दैट इज फाइव बिकॉज यहां पे जो है ये वन इंक्लूड नहीं है यहाँ पे वन इंक्लूडेड है बट यहाँ पे जीरो वन से लेके ये वाला और देन इस वन टू के अंदर इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि दैट इज फाइव ओके देन ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी दैट इज ए क्लोजर दैट इज जीरो वन दैट इज वन टू जीरो वन दैट इज इन और देन वन टू क्या कॉमन है कुछ भी नहीं कुछ भी कॉमन नहीं है दैट इज इक्वल टू फाइव मीन्स हमारे पास क्या आ गया ए एंड बी आर सेपरेटेड इस कंडीशन में ए और बी हमें क्या मिल गए सेपरेटेड मिल गए हमें क्या प्रूफ करना था कि सेपरेटेड सेट्स आर डिसंट अब ये सेपरेटेड हैं हम प्रूफ कर सकते हैं कि डिस ज्वाइंट है क्योंकि देखिए ए इंटरसेक्शन बी हम चेक करते हैं ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन बी ए जीरो वन है ये वन टू है वन जो है वो ना तो ए का पार्ट है ना ही वो बी का पार्ट है ठीक है तो इन इन दोनों के अगर इंटरसेक्शन देखें दैट इज इक्वल टू फाइव ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव तो हैंस सेपरेटेड सेट्स आर disjoint. डिसंट सेट्स क्या होते हैं आपको सबको पता है हम बॉर्डर से करते आ रहे हैं डिस्ज्वाइंट सेट्स जो होते हैं जब उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता जब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव होती है तो हम उन सेट्स को क्या बोलते हैं दैट आर डिस्च्वाइंट सेट्स ओके नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेक्स्ट एक और चीज है डिस्च्वाइंट सेट्स डिस्च्वाइंट सेट्स मे और मे नॉट मे नॉट बी सेपरेटेड ये देखिए डिस्च्वाइंट सेट्स मे और मे नॉट बी सेपरेटेड हमने ये बोल दिया कि सेपरेटेड सेट्स जितने भी होंगे वो डिस्च्वाइंट होंगे बट डिस्ट सेट्स मे और मे नॉट बी सेपरेटेड इसको भी एग्जाम्पल लेके कर लेते हैं चलिए ए सेट में यहां पे कोई ले लेती हूं जीरो वन देन बी सेट मैंने लिया वन एंड टू इस तरह से ले लिया ये देखिए ए सेट मैंने लिया ये ओपन है जीरो वन और बी सेट मेरा यहां पे है क्लोज्ड वन एंड टू इस तरह से मैंने ले लिया अब क्लोजर चेक करते हैं क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू दैट इज जीरो क्लोजर ऑफ बी दैट इज वन टू इस तरह से होगा क्लोजर ऑफ ए दैट इज जीरो वन क्लोजर ऑफ बी दैट इज वन टू इस तरह से होगा अब हम चेक करते हैं देखिए सबसे पहले हम देखें कि ये डिस्ट्रॉइंट भी है या नहीं हमें डिस्ट्रॉइंट सेट्स को प्रूव करना है ना मे और मे नॉट बी सेपरेटेड चलिए डिस्ट्रॉइंट सेट्स हैं ये क्या ये डिसंट है जीरो वन और यहाँ पे वन इंक्लूड है दैट्स दिस आर ए इंटरसेक्शन बी अगर हम चेक करते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव दैट मीन्स की सेट्स आर डिस्ट सेट हमने दो सेट ही लेने थे ना तभी हम उनको प्रूव करेंगे कि मे और मे नोट बी सेपरेटेड चलिए चेक करते हैं ये सेपरेटेड है ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर ए दिस इज जीरो वन बी क्लोजर दैट इज वन टू क्या ये डिस्च्वाइंट है क्या ये फाइव के इक्वल आ रहा है यहाँ पे वन इंक्लूड नहीं है यहाँ पे वन इंक्लूड है दैट मीन्स कि ये फाइव के इक्वल आ रहा है इसमें कुछ भी दोनों में कॉमन नहीं आ रहा दैट इज फाइव नेक्स्ट चेक करते हैं ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी ए क्लोजर दैट इज जीरो वन इंटरसेक्शन बी यस हमें एक पार्ट मिल रहा है यहाँ पे ये वन जो है वो इसमें इंक्लूडेड है ये क्लोजर जीरो वन है और ये क्लोजर वन टू है ये जो वन है ये ए का भी पार्ट है और ये बी का भी पार्ट है ये जो वन पॉइंट यहाँ पे बना यहां पे ये ए क्लोजर आया हमारे पास जीरो वन और बी ऑलरेडी हमारे पास वन टू है तो ये वन जो है ये ए में भी इंक्लूडेड है और बी में भी इंक्लूडेड है दैट कि दैट इज इक्वल टू वन दैट इज नॉट इक्वल टू फाइव इसका मतलब क्या हुआ हमें कंडीशन चाहिए थी कि हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए अगर ये दोनों इक्वल टू फाइव आते हैं तब हम इनको क्या बोलते हैं सेट्स आर सेपरेटेड बट इन दिस कंडीशन सेट्स आर नॉट सेपरेटेड इस कंडीशन में सेट्स सेपरेटेड नहीं है अब सेट्स जो ज्वाइंट तो हैं वो सेपरेटेड तो नहीं है ठीक है तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि सेट्स में नॉट बी सेपरेटेड डिस ज्वाइंट सेट्स में नॉट बी सेपरेटेड नेक्स्ट देखिए अभी एक चीज और बचती है डिस्वाइंट सेट्स मे बी सेपरेटेड हमें ये टू कंडीशन सेटिस्फाई करनी थी मे और मे नॉट बी वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते अब कोई और एग्जाम्पल लेते हैं हम जिसमें ये सेपरेट disjoint हो, बट वो सेपरेटेड ना हो ये disjoint हो बट वो सेपरेटेड भी हो। देखिए यहां पे ये disjoint है बट ये सेपरेटेड नहीं है एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं ए है जीरो वन और बी है वन एंड टू ए हमने ले लिया जीरो वन और बी हमने ले लिया वन एंड टू वही सेम हम करेंगे ए सेट आपने लिया जीरो एंड वन देन आपने बी सेट लिया वन एंड टू ये इकट्ठे होंगे है ना देखिए अब हम क्लोजर ऑफ ए देखते हैं क्लोजर ऑफ ए दैट इज जीरो वन क्लोजर ऑफ बी दैट इज वन टू अब चेक करते हैं ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर दैट इज फाइव चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी ए क्लोजर दैट इज जीरो वन दैट इज वन टू बट नथिंग इज कॉमन तो दैट इज फाइव ये दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई अब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इसका मतलब क्या है ये क्या है सेपरेटेड है इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों सेट्स जो हैं ए एंड बी क्या हो गए सेपरेटेड सेट्स हो गए अब ए एंड बी आर डिस्च्वाइंट देखिए ए इंटरसेक्शन बी दैट इज इक्वल टू फाइव बिकॉज नथिंग इज कॉमन जीरो वन है ये वन टू है ए इंटरसेक्शन बी दैट इज इक्वल टू फाइव एंड दीज आर सेपरेटेड सेट्स तो हम क्या कह देंगे कि डिस्च्वाइंट सेट्स डिस्च्वाइंट सेट्स मे बी सेपरेटेड समझ आई इतनी सी चीज़ कि डिस्ज्वाइंट सेट्स जो हैं हमने यहाँ पे इस चीज़ को प्रूव किया जब हमने ये वाले सेट्स लिए जब हमने ये सेट्स लिए तो हमारे पास ये नॉट सेपरेटेड आ गए मीन्स डिस्चॉइंट सेट्स जो हैं वो सेपेटेड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते पर जितने भी सेपरेटेड सेट्स हैं ना वो हमेशा डिसजॉइंट होंगे ये चीज़ हमने प्रूव कर दी यहाँ पर देखिए जहाँ पे भी हमने सेपरेटेड सेट्स की बात की आप सारे एग्जांपल्स देखिए हमने यहाँ पे कितनी सारे एग्जांपल्स करी हम सब में चेक करते हैं कि क्या जो भी हमने सेपरेटेड सेट्स की बात की क्या वो डिसजॉइंट ही थे यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग से शुरू होते हैं हम हमने यहां पे बात की ये दोनों सेपरेटेड सेट्स हैं अब ये दोनों सेपरेटेड सेट्स हैं ए इंटरसेक्शन बी चेक करते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव ये तो डिस्च्वाइंट है नेक्स्ट हम सेपरेटेड ने की बात करते हैं यहां पे तो हमने नॉट सेपरेटेड की बात की देन यहां पे तो हमने ये एग्जाम्पल ही वही ली कि सेपरेटेड सेट्स जो होते हैं वो डिस्च्वाइंट होते हैं ओके नेक्स्ट हम आते हैं लास्ट में हमने एक एग्जाम्पल की ये वाली सेपरेटेड सेट्स दीज आर ऑलसो डिटॉइंट जिस जितने भी सेपरेटेड सेट्स की हम बात करते हैं वो डिसजॉइंट होते हैं बट जितने हम डिसजॉइंट सेट्स की बात करते हैं वो सेपरेटेड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते यहाँ पे हमने ये वाला डिसजॉइंट सेट की बात की ये सेपरेटेड नहीं था बट ये हमने ये वाला डिसजॉइंट सेट की बात की तो ये सेपरेटेड है ओके ये दोनों दोनों चीजें आपको पता चल गई कि जो सेपरेटेड सेट्स है सेपरेटेड सेट्स आर ऑलवेज इतनी सी चीज हमने दोनों में कर ली सेपरेटेड सेट्स क्या होते हैं वो अच्छी तरह से समझ आ गया सेपरेटेड सेट्स होते हैं ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर शुड बी फाइव ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी शुड बी फाइव ओके आई होप आपको ये सारी वीडियो अच्छी तरह से समझ आ गई अगर कहीं से भी समझ नहीं आई है आप मुझे कमेंट करके एनी टाइम पूछ सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिकॉज सब्सक्राइब करने के बाद जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी क्योंकि डेली मैं बहुत सारी वीडियोस अपलोड करती हूँ तो आपको बेल आइकन को प्रेस करना इंपॉर्टेंट है तभी आपको साथ के साथ ही नोटिफिकेशन मिलेगी और आपका कुछ भी पीछे नहीं रहेगा अदरवाइज आपको लेट पता चलेगा कि वीडियो अपलोड हुई है ओके Thank you. Have a nice day. Keep watching my videos.